क्या है। आज रात 2 बजे से ही योग दिवस का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। सुबह 5 बजे तक मुख्य कार्यक्रम स्थल यानी कि रांची के प्रभात तारा मैदान में सभी की एंट्री भी हो जाएगी। वीवीआईपीज भी सुबह 6 बजे तक पहुंच जाएंगे और इन सब के बीच करीब 3 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची पहुंच रहे हैं, यानी आज पूरी रात रांची जागने वाला है। पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर मेजबान रांची पूरी तरह योग के रंग में रंग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करने को लेकर लोगों में उत्साह और क्रेज कई दिनों पहले से ही दिख रहा है। यही वजह है कि प्रभात तारा मैदान में होने वाले योग को लेकर 50,000 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। योग दिवस को लेकर आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची पहुंच रहे हैं, लिहाजा रांची में जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 10:50 पर भारतीय वायुसेना के विमान से रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से राजभवन जाएंगे, राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। सुबह 6:10 पर राजभवन से प्रभात तारा मैदान के लिए रवाना होंगे। सुबह 6:30 प्रभात तारा मैदान पर पहुंचेंगे। योगाभ्यास के बाद 7:40 पर रांची एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 2 कारकेड होंगे। रांची एयरपोर्ट पर 2 DSP, 5 इंस्पेक्टर, 42 दरोगा और जमादार, 180 लाठीधारी और 107 सशस्त्र जवानों की तैनाती होगी। एयरपोर्ट पर 1 बम डिस्पोजल यूनिट, 2 यूनिट आंसू गैस, 1 कंपनी रेफ की तैनाती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची से पूरे विश्व के लोगों को अपने जीवन शैली में योग को शामिल करने का संदेश देंगे। प्रोटोकॉल के तहत 45 मिनट का योगाभ्यास तय है। कार्यक्रम में सुबह 3 बजे से 5 बजे तक लोगों की एंट्री होगी। हालांकि वीआईपी के लिए सुबह 6 बजे तक प्रवेश की सुविधा होगी, इसके बाद कोई भी कार्यक्रम स्थल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। धुरवा के प्रभात तारा मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर मुख्यमंत्री रघुवर दास, आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नाइक, स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी भी मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। देश से लेकर विदेशों तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां हो रही हैं। इस बार मुख्य कार्यक्रम भगवान बिरसा की धरती रांची में होगा। भारत के हर त्योहार की तरह दुनिया ने भारत की सेहत के त्योहार योग को भी दिल से अपनाया है। देश का गौरव है हिंदुस्तान की विरासत योग, जिसकी तैयारी पूरी दुनिया में हो रही है। कहना गलत नहीं होगा कि योग पहला ऐसा त्योहार बन चुका है जो सचमुच अंतर्राष्ट्रीय है। योग इहलोक में तुम्हें मन को शांति कैसे मिलेगी, शरीर को स्वस्थता कैसे मिलेगी, समाज में एक सूत्रता कैसी बनी रहेगी, उसकी ताकत देता है। ये परलोक का विज्ञान नहीं है, यही इहलोक का विज्ञान है। दुनिया के ज्यादातर देशों में अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तैयारियां चल रही हैं। यकीन मानिए, इतने बड़े पैमाने पर आपने किसी भी इंटरनेशनल डे के लिए इतनी शिद्दत से दुनिया को एक होते हुए नहीं देखा होगा। सरहद से परे, भाषा की सीमा लांघकर हर गुजरते साल के साथ योग विश्व को एक सूत्र में पिरो रहा है। वहीं देश में भी इस सेहत के त्योहार की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने योग दिवस के लिए रांची को चुना है। 21 जून के लिए खास तैयारी की गई है। होली दीपावली की तरह अब योग दिवस भी आखिर एक उत्सव जो बन चुका है। योग बनाए निरोग, ये सोच अब केवल भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की हो गई है। इसीलिए पूरी दुनिया में योग को लेकर धूम मची है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 2015 से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और हर कोई योग के जरिए खुद को फिट और जीवन में हिट रखना चाहता है। सरकार भी अब योग के प्रचार में जो बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें सम्मानित करेगी। 2 अवार्ड के लिए
चयन होगा, उनको अवार्ड उसी समारोह में दिया जाएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय योग अवार्ड, एक राष्ट्रीय योग अवार्ड। इस साल योग दिवस का थीम योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन यानी पर्यावरण के लिए योग रखा गया है। एक तरह से जैसे स्वच्छ भारत का आंदोलन ये जनता का आंदोलन हुआ, वैसे योगा भी आज विश्व भर में और देश में खासकर जनता का एक नया उपक्रम बन गया है और देश के तरीके में मीडिया हाउसेस खुद होकर बढ़ चढ़ कर भाग ले, ये बहुत अच्छा चिन्ह है। योग गुरु रामदेव ने भी लोगों को योग के फायदे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जानकारी दी। भारत के प्रत्येक जिले तहसील स्तर से लेकर के बड़े बड़े गांवों में पूरे देश में हमारा प्रयास होगा, लगभग 1,00,000 गांवों में हम 21 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का जो महोत्सव है उसको हम मनाने जा रहे हैं। आयुष मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर रेडियो फॉर योग की शुरुआत की है, जिसमें 100 से ज्यादा रेडियो जॉकी और रेडियो प्रोग्रामर ने हिस्सा लिया। मकसद है योग को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाना। मोदी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि योग आज पूरी दुनिया में हिट हो रहा है। ठंड हो या गर्मी, मैदान हो या पहाड़, बंद कमरा हो या खुला मैदान, नेता हो या आम, हर जगह आपको योग करते हुए लोग दिखेंगे। तो सोच क्यों रहे हैं, आप भी हो जाइए शामिल सेहत के इस त्योहार में, क्योंकि योग उत्सव तो उम्र भर जारी रहता है। 21 जून के इस त्योहार का चमत्कार देश ही नहीं दुनिया भी मान चुकी है। तभी तो तैयारी पूरी है और जोश जबरदस्त। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।